Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. Hey guys, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का A03s। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं इस फोन के स्मार्ट फीचर के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको इस फोन के स्मार्ट फीचर के बारे में जानना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने डायलर के अंदर, अपने फोन के डायलर को आप ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ सेटिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ आने में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कीजिए। ये एक नया फीचर है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कई अलग अलग बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी आती हुई कॉल की जो पीछे नजर आपको आ जाएंगे इस तरीके से, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर तीन वीडियोस दिखाई जाती हैं। जो भी वीडियोस आपको पसंद आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको और वीडियो लगाना है तो आप ये अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको प्लस के आइकन पर जाना है, अपने गैलरी में से आप उठा सकते हैं कोई वीडियो जो कि आपको अच्छी लगती हो, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। तो आपकी जो बैकग्राउंड है कॉल बैकग्राउंड वो उसमें आपको ये वीडियो नज़र आएगी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं गैलरी में से हमने वीडियो उठाई है, उसको हम सेट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी कॉल बैकग्राउंड में ये वीडियो आना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम अपनी कॉल बैकग्राउंड को चेंज करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको एडवांस फीचर भी देखने को मिलते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स हमें चलना होगा सेटिंग में। तो फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ से स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडवांसड फीचर, इस पर आ जाना है आपको। और यहाँ आने के फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा मोस्टर एंड जेस्टर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इसको इनेबल करा दीजिए। अब आपकी लॉक स्क्रीन होगी, आप इसको ऑन कराना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पर बिना पावर बटन प्रेस किए डबल टैप करके अपनी स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं। इसी तरीके से अपनी स्क्रीन को आप ऑफ भी करा सकते हैं, जैसे कि आपको ये वाला फीचर देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको इनेबल करा के आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आप उसको ऑन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और डबल टैप करके इसको बंद भी करा सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन ऑन हो गई, इसको बंद कराना चाहते हैं डबल टैप कर देंगे तो स्क्रीन बंद भी हो जाती है। इस तरीके से टर्न ऑन एंड ऑफ भी करा सकते हैं आप इस तरीके से। इसके बाद आपको और भी फीचर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा फिंगर सेंसर जेस्चर, इसको इनेबल कराएंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है उसको आप इस तरीके से डाउन करेंगे तो आपका जो कंट्रोल बार है वो आपको नजर आ जाएगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं अपने कंट्रोल बार को आप इस तरीके से यहाँ पे फिंगरप्रिंट से एक्सेस करा सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट से इस तरीके से नीचे की तरफ कर देना तो आपका जो कंट्रोल बार है वो ओपन हो जाता है। इस फोन के अंदर जो आपकी नोटिफिकेशन स्टाइल है उसको चेंज करा सकते हैं, जो कि काफी अमेजिंग हो जाएगी अगर आप उसको चेंज करेंगे तो। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें फिर से सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पर आ जाइए, और आपको देखने को मिलेगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, इस पर आ जाइए, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन इफेक्ट के लिए। तो आपको कई अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसके आपको ऊपर डिजाइन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको डिजाइन वगैरह यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे कई अलग अलग, इसका आप अपने हिसाब से सेलेक्शन कर पाते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ ऊपर नजर आ जाता है ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसका कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं कलर के लिए। जो भी आपको कलर उठाना है वो यहाँ से क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए तो आपका कलर भी यहाँ से बन जाता है। तो इस तरीके से आप कलर भी नया नया यहाँ पे बना सकते हैं। एडवांस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितना लो चाहिए आपको, कितना हाई चाहिए, ये आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसका कितना लॉन्ग होना चाहिए, कितना यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग फीचर है, आप इनको यहाँ से एडिट वगैरह करके लगा सकते हैं। इस फोन के अंदर जो आपकी क्लॉक स्टाइल है, जो कि लॉक स्क्रीन पर आपको शो होती है, उसकी डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसकी डिज़ाइन शो हो रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको फिर से सेटिंग में चलना होगा। तो हम सेटिंग में चलते हैं इसकी, और सेटिंग में जाने के फ्रेंड्स आपको यहाँ से स्क्रॉल करके आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन, इस पर आ जाइए। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्लॉक स्टाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई अलग अलग यहाँ पर क्लॉक आपको देखने को मिल जाती हैं, इनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स इनका भी आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर आपके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसको भी आप कस्टम करके कलर वगैरह भी आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद आता हो वो यह सेलेक्ट करके इसको ओके कर दीजिए तो आपका जो क्लॉक का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसका डन करेंगे इसको, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं जो कि आपकी लॉक स्क्रीन पर शो हो जाएगी, तो आप इस तरीके से नंबर वगैरह या फिर कोई नाम वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो नंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो हम लॉक करते हैं अपने फ़ोन के लिए, और स्क्रीन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर शो हो चुका है। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं।
अगर फ्रेंड्स आप इस फोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आना है और सेटिंग देखिए, इसमें आना है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा हाइड एप्स। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ डन कर देना होता है तो ये एप्लीकेशन आपके हाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से आप डेस्कटॉप आएंगे तो आपके एप्लीकेशन कहीं भी नज़र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनको एक्सेस करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ वहीं जाना होगा और हाइड एप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले आपको अनहाइड करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना होगा। इसके बाद ही आप इनको डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको एक्सेस करना चाहें तो आपको ये सर्च वगैरह करके कहीं से भी एक्सेस करने को नहीं मिलते। अगर फ्रेंड्स आपके जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर वो आपको चेंज होकर देखने को मिलते हैं, हर बार में आपको नया वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, इनको आप बंद कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं, या फिर आपके बंद है तो उनको चालू कराना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो टू फिंगर से पहले पिंच इन कीजिए और यहाँ वॉलपेपर पर जाइए और यहाँ आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर सर्विसेज, इस पर जाइए और यहाँ आपको देखने को मिलेगा डायनेमिक लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने को मिल जाती है, तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप के आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर दिखाई जाए, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक फीचर नीचे से इनेबल करना होगा जो कि है डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डेटा, इसको इनेबल करा के आप अपने मोबाइल डेटा से भी इनको अपडेट करा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो लॉक स्क्रीन है उस पर आपको ये वॉलपेपर शो कराए जाएंगे। इस तरीके से लॉक स्क्रीन वॉलपेपर वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कॉल आते टाइम अपनी जो फ्लैश लाइट है उसको ब्लिंक कराना है तो वो भी फीचर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स फिर से सेटिंग में चलेंगे और इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्सेस सेलिब्रिटी, तो यहाँ पे आपको आ जाना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एडवांस सेटिंग, तो सिंपल है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा फ्लैश नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला फीचर, इसको इनेबल कर दीजिए। तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल आते टाइम इस तरीके से आपका ये फोन ब्लिंक करना शुरू कर देगा, तो इस तरीके से आप ये फीचर को इनेबल करा सकते हैं। इस फोन के अंदर जो आपकी वॉल्यूम अप डाउन बटन है इनसे भी कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करा सकते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा साइड एंड वॉल्यूम अप बटन, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या एक्सेस कराना है। यहाँ पे जैसे कि आपको ये वाला फीचर इनेबल कर दिया आपने, तो आपका ये वाला फीचर यहाँ पे इनेबल होगा वॉल्यूम अप बटन क्लिक करने पे। इसके बाद आपका जो डाउन बटन है इससे भी आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और अलाउ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, टर्न ऑन पे जाइए। अब आपका ये एप्लीकेशन ये वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये चालू हो जाता है, एप्लीकेशन को एक्सेस करा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस फोन के अंदर अपनी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डायलर में जाएंगे और डायलर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ थ्री डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपका ये डिसेबल होगा। इस तरीके से इसको इनेबल करा के आप ऑटोमेटिक कॉल को रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग की यहाँ पर नोटिफिकेशन शो नहीं कराना चाहते तो यहाँ से इसको डिसेबल करा के अपनी कॉल जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई नंबर वगैरह आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कॉल नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस के आइकन पर जाएंगे या फिर कॉन्टेक्ट पर जाएंगे और यहाँ जो नंबर आपको सेलेक्ट करना है जिसको ब्लॉक में डालना है उसको सेलेक्ट करके आपको डन कर देना होता है, तो आपका ये नंबर यहाँ से इस तरीके से ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। इसके बाद ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैक करना होता है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा आंसर एंड एंडिंग कॉल, इस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आपको सबसे ऊपर ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि रीड कॉलर नेम अलाउड, इसको इनेबल करा के आपके फोन पर कोई ब्लूटूथ या फिर हैंड फ्री स्पीकर लगा होता है तो आपके फोन पर कोई कॉल्स वगैरह आती है तो आपका फोन अलाउंस करके बताएगा कि आपके इस नंबर से कॉल आपको देखने को मिल रही है। ये सब आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है आंसर ऑटोमेटिकली, इसको इनेबल करा देंगे तो आपके फोन पर ब्लूटूथ या फिर कोई ईयरफोन वगैरह लगी है तो आपकी वो 2 सेकंड के अंदर कॉल आंसर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद आपको जो वॉल्यूम अप बटन है इससे अगर आप अपनी कॉल को आंसर कराना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी आप वॉल्यूम अप बटन दबा देंगे तो आपकी कॉल वो आंसर हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी कॉल को भी आंसर करा सकते हैं। जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसको इनेबल करा के अपने पावर बटन को प्रेस करके कॉल को डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब आपकी कॉल है कॉल डिस्प्ले उसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इस फोन के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बताया जाता है कि आपको पॉपअप विंडो चाहिए या फिर मिनी पॉपअप चाहिए या फिर फुल स्क्रीन चाहिए, यह आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे मिनी वाली अच्छी लगती है तो मिनी पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉपअप आपके ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। और जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा फुल स्क्रीन, अगर फुल स्क्रीन को आप सेलेक्ट कर देंगे तो किसी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप होते हैं तो आपके फोन पे फुल स्क्रीन पे ही कॉल आएगी, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप मिनी पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आपके मिनी में ही इतनी जगह में आपकी कॉल को शो कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सेल्फ सेटिंग को आप कर सकते हैं। इस फोन में अगर आप स्क्रीनशॉट को टेक करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन दोनों को एक
एक साथ प्रेस करना होता है इस तरीके से। तो मतलब आपको टैप एंड होल्ड नहीं करना है, मतलब तुरंत ही दोनों को एक साथ प्रेस कर देना है, तो आपका स्क्रीनशॉट इस फोन में इस तरीके से आ जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट को करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जैसे कि एक बार में स्क्रीनशॉट बनाना है तो इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो आपका स्क्रीनशॉट लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस फोन में आप बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे बटन्स होते हैं, इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा और डिस्प्ले में जाने में आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बार, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको स्वाइप जेस्चर सेलेक्ट करनी है तो इस पर क्लिक करके आप स्वाइप जेस्चर लगा सकते हैं, मतलब आप यहाँ से इसको डायरेक्ट बैक कर पाएंगे। तो अभी ये हमारा बटन हाइड हो चुका है, इसको यहाँ से बैक करके इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ये गूगल असिस्टेंट जब वो ओपन हो जाएगा, हमारा गूगल असिस्टेंट यहाँ डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अगर आप यहाँ से बैक करेंगे तो हमारा यहाँ से बैक होना शुरू हो जाता है। अगर आपको स्वाइप अप करके यहाँ पे बैक करना है तो उसके लिए आपको मोर ऑप्शन पर जाना होगा और स्वाइप फॉर्म बटन पर क्लिक कर देना होगा, तो आपके यहाँ पे बटन बैक होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बैक करके इनका आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन फीचरों का यूज करके अपने फोन को और भी एडवांस बना सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।